जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये दोनों आप लोग एडिटिंग देख लो एंड गणेश चतुर्थी की इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एडिट कर सकते हो। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे। देन आप लोगों को कुछ इस टाइप की भी मैंने पहले भी एडिटिंग सिखाई है जहाँ पर आप लोग ये प्रीव्यू देख सकते हो। देन आप लोग इस टाइप की एडिटिंग मेरे चैनल पर हरदम पाते रहोगे। तो गाइस यार, अभी मैं जो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जिसका मैंने प्रीव्यू दिखाया है आप लोगों को, वो आप लोगों को एडिटिंग अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना और आप लोगों को आने वाले समय में इससे भी अच्छी अच्छी एडिटिंग सिखाऊंगा। देन आप लोगों को चले जाना अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग VPN को आप लोगों को कनेक्ट कर लेना है। VPN को कनेक्ट करने बाद आप लोगों को अपना कैपकट खोलना है। देन आप लोग माउस के एरो को देखते रहना और दोनों स्क्रीन में देखते रहना जो भी मैं अपना ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। देन यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या ऐड करनी है वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा और जितनी भी आप लोगों को मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ ये सारी मटेरियल मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो देन आप लोगों को सबसे पहले मैं कुछ फ़ोटो दे दूंगा इस टाइप की, ये देख सकते हो, ठीक है। तो एक फ़ोटो आप लोगों को ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसके बाद से ऐड करने के बाद आप लोगों को इसमें थोड़ा सा अपना जो ये होता है ना एक्सपेक्टेड रेशियो वो दे देना है 19:60। देन इतना देने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो ये फ़ोटो होगी ना इसको आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट करके रख देख लेना है कि आप लोगों का जो रेशियो लगाए हो वो सही है कि नहीं। देन इतना होने के बाद आप लोग वाटर मार्क हटा देना और ये वीडियो की लेंथ जो है वो कम से कम अपना जितनी करनी हो वो कर लेना, बाद में एडजस्ट वगैरह कर लेंगे। देन इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखो एंड करना क्या है आगे साइड, एंड इतना होने के बाद आप लोग देख लो एंड यहाँ पर आप लोगों को एक म्यूजिक ऐड करना है। तो देन आप लोगों को ऑडियो में जाना है, ऑडियो में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और साउंड में, एंड देन आप लोगों को जो साउंड होगा उसका मैं जो भी मटेरियल वगैरह होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर वो साउंड आप लोगों को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो वो साउंड ये है एंड देन आप लोगों को जितना साउंड होगा उतना ही आप लोगों को फोटो का लेंथ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो की लेंथ हम आखिरी तक कर लेते हैं जितनी मेरी सॉन्ग है, ठीक है। एंड इतना करने के बाद आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह हो इसको आप लोगों को स्प्लिट कर देना है, एंड देन स्प्लिट कर दिया एंड ये एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया, ठीक है। इतना कर लियो, करने के बाद आप लोगों को ऐड ओवर लेयर में जाना है और आप लोगों को देखो कुछ आप लोगों को इस टाइप की जो लेयर दूंगा ना, देन आप लोग इस पर क्लिक करना और ये देखो वीडियो वाले सेक्शन में जाना और ये, ठीक है। अब देखो एक ये हो गया और एक तीसरे नंबर पर हो गया, आप लोगों को दोनों में से एक आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन आप लोगों को पूरा वीडियो का रेशियो में कर लेना है एंड जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्प्लिस करेंगे, ठीक है। तो स्प्लिस में हम लोग करेंगे क्या, वो जो ब्लैक पार्ट है इसका हटा देंगे। तो देन इस पर क्लिक करना, स्प्लिस पर क्लिक करना एंड देन फिल्टर पर क्लिक कर देना। जैसे फिल्टर पर क्लिक करोगे तो जो इसका ब्लैक पार्ट था वो रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों को देख सकते हो इतना हो गया। अब इसमें क्या है ना कि आप लोगों को देखो ये छोटा पड़ गया, तो छोटा पड़ेंगे तो हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे। तो हम लोगों की जितनी ये वीडियो है ना उतनी हम लोगों को डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोगों को स्प्लिट कर देना, ठीक है। तो स्प्लिट कर देना है एंड देन इसको हटा देना है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को ऐड ओवर लेयर पर क्लिक करना है और एक आप लोगों को ये जो कि ट्रायंगल दिख रहा है ना इसको आप लोगों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको भी जूम कर लेना है जितने आप लोगों की वीडियो की रेशियो है, एंड इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से आप लोगों को वही काम करना है जो आप लोगों ने इस वीडियो ऊपर वाले वीडियो में काम किया था, ठीक है ना। स्प्लिस कर देना है इसमें भी, तो आप लोगों को यहाँ पर इधर साइड मिल जाएगा स्प्लिस, ये क्लिक करना है एंड देन आप लोगों को फिल्टर पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो इतना हो गया। अब ये जो दोनों है ना दोनों एक के ऊपर एक ही लगाने हैं, ठीक है ना, मतलब एक के ऊपर एक लगाने का। इतना करने के बाद आप लोगों को इसको भी डुप्लीकेट कर लेना है। देन इतना डुप्लीकेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर दूंगा और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से कर लेना। अभी ये जो मैंने सबसे पहले जो वीडियो लगाई थी ना जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो रेड रेड टाइप का, ठीक है, बैकग्राउंड में, उसके जगह आप लोगों को तीसरा एक आप लोगों को और भी दे दूंगा वो लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीव्यू में दिखाया ये दो प्रीव्यू, ठीक है। तो देन आप लोग उस तरीके का बनाना चाहते हो उस तरीके का बना सकते हो, इस तरीके का बनाना है तो इस तरीके का बना सकते हो। बस आप लोगों को पीछे वाला बैकग्राउंड का मटेरियल है वो चेंज करना पड़ेगा। इतना हो गया, अब ऐड ओवर लेयर पर क्लिक करना एंड देन यहाँ पर आप लोगों को कुछ गणेश जी का मैं PNG दे दूंगा जो कि बैकग्राउंड रिमूवर होगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो गणेश जी का, ओके। इतना करने के बाद आप लोगों को जो गणेश जी का सर है ना, सर आप लोगों को ये जो चक्री घूम रहा है ना बैकग्राउंड में, जस्ट उनके सर को उतना ही ऊपर लेके आना। देन आप लोग इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेना करने का मन हो तो, एंड लास्ट तक आप लोगों को ले जाना, ठीक है। तो इतना लास्ट तक ले जाना
एंड जो भी गणेश जी का सर है ना एकदम सही से आप लोगों को कर लेना है। एंड सॉरी गाइज यहाँ पर दब गया। ओके अब इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो एंड बीचों बीच हो चुका है। ठीक है अब पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसको जूम करना हो तो थोड़ा सा जूम भी रख सकते हो, नहीं तो आप लोग इसी तरीके से रखना। अब जो हमारी फोटो है ना देख सकते हो यहाँ पर सही से आप लोग जितने भी हमने मटेरियल यूज किया है आप लोगों को सिंपल सा टेलीग्राम वगैरह से ले लेना है, तो ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं। थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर लेना। ठीक है इतना करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे साइड पैरों में मार्किंग करनी है। ठीक है जिससे लगे कि गणेश जी हमारे बैठे हुए हैं। ठीक है मतलब फोटो नहीं लगाए गणेश जी बैठे हुए हैं ऐसा लगे, तो मार्किंग में चले जाएंगे हम लोग मार्क्स वाले ऑप्शन में फोटो को क्लिक करने के बाद। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ना हमारा जो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हॉरिजेंटल, उस पर क्लिक करेंगे और इसको पीले वाले एरो को क्लिक पकड़ेंगे और नीचे ले जाएंगे पैर के पास। ठीक है पैर के पास लाएंगे और एक व्हाइट एरो मिलेगा, देन आप लोग थोड़ा सा ऊपर करके व्हाइट एरो को नीचे कर लेना, डाउन कर लेना। जैसे कि ये देखो थोड़ा सा मैंने ऊपर किया और इसको थोड़ा सा डाउन किया एरो को, व्हाइट एरो को डाउन किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो ब्लर हो गया थोड़ा सा। अब इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पर लगने लगेगा कि भाई जो एक गणेश जी है ना वो जमीन पर बैठे हुए हैं। अब पूरा का पूरा मैं PNG ऐड कर लूंगा तो थोड़ा सा हमारा लगेगा कि ओल्ड टाइप से है। ओके तो देन इतना करने के बाद हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को मैं कहूँ कि गणेश जी की फोटो जो है वो PNG वगैरह आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है देन वो भी आप लोगों को लास्ट में बताता चलूंगा। ठीक है अब इतना हो गया, आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है इतना एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो आप लोगों की वीडियो हो जाएगी तैयार। अब यहाँ पर आप लोगों को PNG जो यूज करना है ना, तो देखो गाइस आप लोगों को कहीं से भी प्रिंटेस्ट एप्लीकेशन वगैरह से आप लोग गणेश जी की फोटो आप लोग ले लेना, उसके बाद से लाइट रूम खोलना एंड देन आप लोगों को यहाँ पर स्टार ए फोटो मिलेगा ना, स्टार ए फोटो। अब यहाँ पर आप लोगों को वो फोटो ऐड कर देनी है जो फोटो आप लोगों को करनी है, तो देन मैं यहाँ पर कोई से भी एक फोटो ऐड करके आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ। तो मैंने ये ऐड किया, अब ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे गणेश जी का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है तो देन यहाँ पर देख सकते हो ये रिमूव हो रहे हैं। ठीक है इतना होने के बाद आप लोग देख सकते हो ये रिमूव हो गया। अब जो भी आप लोगों का एक्स्ट्रा पार्ट इसमें रिमूव करने हो तो कट पर क्लिक करके अब इस पर आप लोग जो इरेजर है इरेजर पर टिक लगा के लाल लाल आप लोग उसमें कलर कर सकते हो। जैसे ही लाल लाल कलर करोगे ना देन आप लोगों का थोड़ी देर में वो चीज़ गायब हो जाएगा। ठीक है तो देन आप लोगों को इतना आप लोगों को देख लेना। अब ये देखो मैंने किया ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा रिमूव हो जाएगा, देन रिमूव हो गया देख सकते हो आप लोग एकदम अच्छे से हमारा यहाँ पर हो गया। अब ओके करेंगे और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ऑप्शन होगा देख सकते हो ब्लैक के जस्ट बगल में ट्रांसपेरेंट, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक आएगा ऑप्शन एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके नीचे वाले ऑप्शन को आप लोगों को क्लिक कर देना। आइए मे बी लेटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक गैलरी टू सेव आ जाएगा एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोगों का सेव हो जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पर एडिटिंग खत्म होती है। और गाइज आप लोगों को एडिटिंग कैसे लगी आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करके बताना और यार कमेंट्स कर देना जरूर यार, जिससे कि मुझे पता चले कि यार मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और आप लोगों को इसी टाइप की वीडियो बनाता रहूं। तो गाइज यार आप लोगों को किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, बहुत सारे बंदे करते हैं। आई होप आप लोग भी DM करो। चलिए लव यू गाइज।